सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की दिनांक जो कि है 15 यानी कि 15/11 यानी कि नवंबर 2021। हिंदी कार्यपत्रिका नंबर है 109A। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। रिमझिम की बुक की हम कहानी पढ़ेंगे, सबसे अच्छा पेड़। विद्यार्थी अपना नाम और अपने टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी ना खोना। सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। शाबाश, सही पहचाना। पहेली का उत्तर क्या है बच्चों? पेड़। आइए हमारे इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की रिमझिम की किताब को खोलिए और उसमें से सबसे अच्छा पेड़ पाठ जो है वो पढ़िए और उसकी अपनी वीडियो मुझे भेजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं, जैसे नीम, चाकू, छा और रबड़, ये आपको इसमें भरना है। पेड़ डैश का भी अच्छा है, तो पेड़ नीम इसमें आएगा, नीम का भी अच्छा है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है, घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी टैश भी देगा यानी कि छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। तो बच्चों ये पेड़ों के बारे में ही है और ये इसको अच्छे से आप पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 है, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और सामने दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पहचान कर उस पर कोला लगाते हैं। नीम का पेड़ हमारे किस काम आता है? सजाने के, दातुन बनाने के या देखने के? नीम का पेड़ दातुन बनाने के काम आता है, नीम की जो टहनी होती है उससे हम दांत साफ कर सकते हैं। ख, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? पहिया, रोटी या दूध? पहिया बनता है रबड़ से। ग, पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, पर्यायवाची यानी कि जो पेड़ को और क्या क्या बोलते हैं। फूल नहीं, रात नहीं, वृक्ष। बच्चों पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं। और बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए, फिर उसके साथ अपनी फ़ोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापिका को भेजिए। तो बच्चों आपके घर में पौधे तो हैं ना, मैंने आपसे पहले भी एक बार बोला था पौधों की फ़ोटो भेजने के लिए, बहुत से बच्चों ने भेजी थी, तो इस बार भी अपने पौधे के साथ अपनी फ़ोटो भेजिए या एक पौधा घर में लगाइए और उसका नाम भी रखिए कि आपने अपने पौधे का क्या नाम रखा है। बच्चों ये चित्र देखकर बताइए ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना, अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट कीजिए और कोई भी समस्या आए तो मुझसे पूछिए। टेक केयर, बाय।